सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया एडिटिंग है। मैं आप लोग को सेम टू सेम एडिट करना सिखा दूंगा, बट आप लोग को करना क्या है यार, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, तभी आप लोग ऐसा एडिट करना सीख पाएंगे। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हो तो आप लोग शायद ही ऐसा एडिट करना सीख पाएँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो कहीं स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, मैं आप लोग एकदम परफेक्ट एडिटिंग करना सिखाऊंगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते हैं। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन कॉल कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर फॉलो कर लेना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो आप लोग को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने बैकग्राउंड को ओपन कर लिया। जो भी पीएनजी बैकग्राउंड यूज़ करूँगा, सारी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। गाइस, मेरे को बैकग्राउंड बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यार बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड था बनाना, बट मैंने एक एक करके अच्छे से बैकग्राउंड बनाया, ताकि आप लोग को एडिटिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ, मतलब जो भी मेरे को मिलते हैं अच्छे अच्छे मैं ले आता हूँ कि आप लोग को सिखाऊँ, बट यार प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ से जाना है ड्रॉ टूल्स पे, ठीक है। एंड ड्रॉ टूल्स पे आने के बाद आप लोग को यहाँ से ऐड फोटो पे जाके अपनी फ़ोटो को ले आना है। सो कुछ इस टाइप से मैंने मॉडल को लिया है, ठीक है। तो आप लोग को कुछ इस टाइप से यहाँ पर मॉडल को बिठा देना है, ठीक है। आप लोग फ्लिप भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वीडियोस बनाते समय पता नहीं कुछ भूलते हैं, कुछ निकल जाता है, तो माफ़ करा करो, ठीक है। तो मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके फ़्लिप कर लेता हूँ मॉडल को, देन उसके बाद मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे से बिठा देता हूँ, ताकि मतलब फेक ना लगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे बिठा देता हूँ मैं अच्छे से, फिर आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग को करना क्या है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने मॉडल को एडजस्ट कर दिया हूँ, तो मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ। देन गाइस, आप लोग को अब क्या करना है, यहाँ से जाना है, एक तो एम्प्लीयर बना लेना है, ठीक है, और यहाँ मॉडल के नीचे रख देना जो न्यू एम्प्टी लेयर होगी, ठीक है। एंड उसके बाद कलर पे जाना, आप लोग को ब्लैक कलर ले लेना है और शैडो को दे देना है, ठीक है। तो शैडो अगर आप लोग इस पिक में नहीं दोगे तो शायद आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं लगेगी, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि शैडो नहीं दोगे तो फेक लगेगी, ठीक है। तो शैडो को बहुत ही अच्छे से देखना, आपको मैं अच्छे से दिखाऊँ मतलब बताऊँगा आप लोग को। तो वैसे जूम करना है, और सबसे पहले आप लोग को पैरों पर शैडो देनी है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। यहाँ पर फेक नहीं लगना चाहिए, मतलब ओरिजिनल लगना चाहिए कि हाँ हम बैठे हैं यहाँ पर। तो मैं साइज को और कम कर लेता हूँ, देन यहाँ से इस टाइप से शैडो दे देता हूँ। और हाँ यार, थोड़ा सा वीडियो ये बड़ा हो जाएगा, माफ़ करिएगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दे, अभी तक नहीं करा, आप लोग लाइक करते मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि मेरे इतने सब्सक्राइब हो गए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कुछ इस टाइप से शैडो दे देना है आप लोग को, फिर साइज को बड़ा करना है, ठीक है। एंड यहाँ पैरों के पास भी आपको शैडो दे देनी है, ठीक है, यहाँ पर। देन आप लोग यहाँ पे भी दे सकते हो, कुछ इस टाइप से ऐसे दे दीजिएगा। एंड थोड़ा सा आप लोग को यहाँ बैक साइड पे भी दे देना है, ताकि ऐसा लगे कि पीछे के साइड हम ऐसे टिके हुए हैं ना, तो वो थोड़ा सा मतलब डार्क पड़ रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, वजन पड़ रहा है, तो वो आ रही साइड हो। तो मैंने इस टाइप से कर लिया हूँ, देख सकते हो अब, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ओरिजिनल भी लग रहा है, आप लोग जैसे कि देख ही सकते हो। मैं थोड़ा सा हार्डनेस ओपेसिटी बढ़ाऊँगा, देन साइज़ को कम करूँगा, एंड जूम करूँगा थोड़ा सा मैं, और ऐसे पैरों के पास और अच्छी शैडो दे दूंगा, मतलब डार्क ब्लैक दे दूंगा, तो और अच्छी लगेगी। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया हूँ, अब तो एकदम ओरिजिनल लग रहा है यार, आप लोग खुद ही देख सकते हो। मैं आप लोग को बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ, एक मिनट। यहाँ से लेयर पे गया मैं, और मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। यहाँ से डन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हो पिक्सआर्ट कभी कभी बहुत ज़्यादा नाटक करता है। एंड आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है ऐड फोटो पे, ठीक है। एक तो पीएनजी लेके आना है पिकाचू का। सो ये पिकाचू का पीएनजी में आप लोग शैडो को दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा शैडो को रहने दिया था, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए इसमें शैडो देने में, ठीक है। इस टाइप से आपको यहाँ पे से बिठा देना है पिकाचू को। देन यू ये आइस की पीएनजी है ना, ये जो भी है मुझे पता नहीं है, सही इरेज कर देना आप लोग को, ठीक है। देन यहाँ से डन कर लेना, आप लोग देख सकते हो बहुत ही बूम एडिटिंग हो चुकी है। फिर ऐड फोटो पर जाना है, और जो आइस का पीएनजी था ना, वो जो भी हो मुझे पता नहीं है, माफ़ करिएगा, आप ये मत बोलो, कुछ भी बोलते हो तुम। तो मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से। एंड आप लोग को क्या करना है, आप लोग देखो पोज थोड़ा सा अच्छा सा देना ऐसे हाथ करते हुए, ताकि ये जो ये आइस है ना, ये आप लोग पकड़ सको, ठीक है। मैं कहीं पे भी एडजस्ट कर देता हूँ, ताकि आपको लगे कि भाई ने सिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ताकि ऐसा लगे कि मॉडल ने मतलब दबा रखा हुआ है,
देखो मैं बताता हूँ, इस टाइप से करा मैंने, इरेज पे गया मैं रेजर पे, देन थोड़ा थोड़ा सा इरेज कर दिया मैंने, ठीक है, ताकि ये लगे कि हाँ हाथ में दबा रखा है। आप लोग देख सकते हो परफेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है सेव कर लेना फ़ोटो को, ठीक है, चलिए हम सेव कर लेते हैं। एंड अब आपको क्या करना है, स्नैपसीड एप्लीकेशन पे, लोग देख सकते हो मैं स्नैपसीड एप्लीकेशन पे आ गया हूँ। तो आप लोग को सबसे पहले डिटेल्स पे जाना है और डिटेल्स को दे देना है, ठीक है। तो यार प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, मैं आप लोग के लिए ऐसी एडिटिंग लाता रहता हूँ, आप लोग को पता ही, जो लोग मुझे सब्सक्राइब करे हुए हैं तो आप लोग भी मुझे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जो न्यू है कुछ इस टाइप से एडजस्टमेंट कर देना आप लोग को। देन आप लोग को टून इमेज पे जाना है, टून इमेज की जो एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं, आप लोग देखते देखते करते जाना आप लोग को। और हाँ, मैंने मतलब कि एक वीडियो और अभी डालूंगा, हॉर्स एडिटिंग है विजय मेहर की, वो भी मैं डालूंगा, पेंडिंग में पड़ी हुई है, मेरे पास डाटा नहीं था तो मैंने वो वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया, बट मैं सुबह भी कर सकता हूँ या फिर अभी भी नाइट में कर दूंगा, ठीक है, वो वीडियो भी आप लोग देख लेना। देन उसके बाद एक वीडियो और लाने वाला हूँ हॉर्स की, मतलब बहुत सारी कॉन्सेप्ट आने वाले हैं आप लोग के लिए, मौज ही मौज है, और बस मेहनत मुझे करना है, आप लोग को सपोर्ट करना है, फिर देखो मज़ा। इस पे जाना है, थोड़ा सा आप लोग को ये कम ज़्यादा कर देना अपने, इससे क्या होता है कि डिटेल्स जो होती है ना बढ़ जाती है फ़ोटो की। तो देखो सारा कुछ कर लिया है मैंने, बहुत ही बढ़िया एडिटिंग हो चुकी है। अगर आप लोग और कुछ करना चाहते हैं तो आप लाइट रूम का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं और कुछ नहीं करता हूँ, फ़ोटो कर लेता हूँ सेव। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारी गैलरी पे फ़ोटो सेव हो चुकी, एकदम परफेक्ट एडिट हो चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ज़रा से भी फेक नहीं लग रही है। तो यार ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि भाई बहुत ही बढ़िया वीडियो, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ यार फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए और भी लाने वाला हूँ। तो चलिए, जब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।